गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुकुल स्कूल नाना चौधरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजपाल यादव आज आपके लिए विस्तार बुक का क्लास इंग्लिश की विस्तार बुक का थर्ड चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, असाइनमेंट्स हम उसके लिख चुके हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो विस्तार बुक का थर्ड चैप्टर है का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम इस नाम को देखने से पता लग रहा है, जर्नी मींस यात्रा, टू द एंड ऑफ द अर्थ का एंड कहां होता है, अर्थ का एंड कहां होता है। यदि हम ये सब चीजें अगर हम कॉर्डिनेट अपने जो सारे कॉर्डिनेट्स हैं अपना जो वर्ल्ड का जो मैप है उसमें या ग्लोब के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहले हमें एक बार ये क्लियर हो जाए कि चैप्टर है तो हमें चैप्टर बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर समझाने से पहले मैं आपको आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। हम सबसे पहले आज का जो अपना टॉपिक है लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अर्थ का एंड कहां होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखना, यहां हम जब मैप पे देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स मैप विद 5 ओशियंस, इस ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। इस मैप के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप, ये सारे जो हमारे जो ओशंस के साथ में जो ये वर्ल्ड का मैप है जहां इसका एंड है हमारा जो लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो हम जहां देखते हैं एंड या तो इस अर्थ का जैसे हम मैप पे बना देते हैं इसको या ग्लोब पे देखते हैं तो एंड ये तो यहाँ है या फिर एंड इसका ऊपर की तरफ है या फिर हम इसे एंड देखें तो सही है, क्योंकि इस तरह से जो अर्थ है वो सर्किल में है, राउंड में है और इस तरह से भी राउंड में है। तो हम इसका एंड कहाँ मान सकते हैं, भी जो दोनों पोल्स है इसके ऊपर इसका या तो एंड मान सकते हैं या फिर हम इसका इस साइड में एंड मान सकते हैं। इस साइड में जो सर्किल है और इस साइड में जो हम गोल है कैसे बनते हैं, कैसे मूवमेंट है अर्थ का, वो हम सभी को पहले से ही पता है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं। सन से जब अर्थ पे लाइट गिरती है तो इसी तरीके से है कि मून है बीच में, यहां से जब लाइट आती है तो इसके आधे पार्ट पे जो ग्लोब है उसके आधे पार्ट पे क्या होता है इसकी लाइट पहुंच पाती है और आधे पार्ट पे नहीं पहुंच पाती। जिस पार्ट पे इसकी लाइट पहुंच पाती है उसको हम वहां पे क्या होता है दिन होता है और जिस साइड में अंधेरा होता है जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां क्या होता है रात होती है। जैसे ही सूरज जो सन है वो फिक्स है अर्थ है वो अपना राउंड पूरा करती है तो जो पार्ट अभी लाइट में है वो कैसे जब टर्न करता है तो जो अंधेरे वाला पार्ट है वो लाइट के सामने आ जाता है, जो लाइट में है ये पार्ट तो ऐसे दिनों रात बनते हैं। इसके सामने सन के सामने जो पार्ट रहेगा जो हिस्सा रहेगा वहां क्या रहेगा दिन रहेगा और इसके दूसरी साइड में रात रहेगी। हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जैसे झुकी हुई है तो सन तो फिक्स है, सन फिक्स है, जो ये है ये पार्ट है इसका अर्थ का राउंड करता है तो जो सन है उसकी जो लाइट है वो इसके सामने वाले पार्ट में तो तेज गिरती रहती है, जब इस पार्ट में पहुंचती है तो जहां से इसका जो डिस्टेंस है वो इसके बजाय बढ़ जाता है, ये डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ने के बाद में जो बिल्कुल इससे कम डिस्टेंस पे होगा वहां लाइट ज्यादा होगी, इसकी हीट बहुत ज्यादा पहुंचेगी जो दूरी हो जाती है यहां से उस पे लाइट कम पहुंच पाती है। इसके बजाय
जहां पे इसकी हीट भी कम पहुंच पाती है। जो इसके सामने रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और जैसे ही हम सूरज से दूर जाते हैं वहां क्या हो जाता है, लग जाती है ठंड होने लग जाती है। ऐसे दो पॉइंट है, एक तो नीचे का पॉइंट है और एक ऊपर का पॉइंट है, जो यहाँ पे लाइट कभी नहीं पहुंच पाती सूरज की लाइट। ये 23.5 डिग्री थोड़ा सा हल्के से झुकी हुई है, झुकी हुई है तो क्या होता है जब हम ग्लोब में देखते हैं तो थोड़ा झुका हुआ रहता है। ये इसको एक सन में पूरा करने में 6 महीने लगते हैं, तो जैसे ये टर्न पूरा करेगा इधर आएगा तो यहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। यहाँ इस पोल पे और इस पोल पे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, हीट नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ क्या हो जाता है गर्म होते हैं ये जो ठंडे होते हैं ये जो इलाके होते हैं जो यहाँ पे, क्योंकि राउंड को कैसे करना है ऐसे ही करना है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड भी होती है। और अंटार्कटिका जब हम मैप में देखते हैं तो मैप में देखते हैं तो अंटार्कटिका कहाँ है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है, ये वाला जो ये वाला है ये अंटार्कटिका है, ग्लोब है तो ये सराउंड में जुड़ा हुआ भी पड़ेगा, भी ये पोल और ये पोल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ ये जो मैप में ये जो दिख रहा है ये और ये पैसिफिक ओशन यहाँ है देखना, और पैसिफिक ओशन यहाँ है, इसकी और इसकी दूरी क्या है, अलग अलग है या दोनों अटैच है, अटैच है ये हमने मैप में दिखा रखा है हर
चेक पॉइंट्स लगे थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र उसने पार किए थे एंड 3 इको स्पेस, और 3 जो जीवाश्म जो क्षेत्र थे उसको उसने पार किए थे। रीचिंग द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के लिए द राइटर ट्रैवल फॉर वन ओवर 100 आवर्स, 100 घंटों से उसको ज्यादा समय लगा था। व्हेन शी रीच्ड अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका पहुंची, शी वाज फिल्ड विद वंडर, वो बड़ी हैरान हुई अंटार्कटिका पहुंच के एंड इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन। उसका एक वृत्त, एक बहुत बड़ा एरिया और वहां पे आइसोलेशन, एकांत वास में देखकर उसे बड़ा हैरानी हुई। शी आल्सो वंडर्ड एट द फैक्ट दैट, उसे ये फैक्ट, ये तथ्य जानकर उसको बड़ा हैरानी हुई दैट ही देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा समय था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, कि भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के टुकड़े थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले भी आपको अभी दिखा चुका हूँ कि जो भारत, अब यदि हम इसको जूम करके देखते हैं तो यदि पहले के बारे में यदि हमें पता लगे तो सारे के सारे जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऐसे अलग हुए हैं कि जैसे ये इसके ज्वाइंट हो। देखो ये जो गैप दिख रहा है हमें वो कैसे दिख रहा है, यदि हम इसको क्लोज में लेके आए तो ये पार्ट इसमें फिट हो जाएगा, यहां से भी पार्ट है, यदि इसको हम एक ही ऊपर यहां से होकर ज्वाइन करें तो भारत जिस लैंडमार्क से, जिस एरिया से, जिस अर्थ से जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि अंटार्कटिका पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी लैंडमार्क का एक हिस्सा क्या था अंटार्कटिका, जब ये बहुत सालों पहले, बहुत करोड़ों सालों पहले जब ये सेपरेशन हुए, जब हम सारे के सारे देखते हैं तो ये सारे आपस में जैसे ये वाला जो है यहाँ फिट हो जाएगा, यहाँ ये कॉन्टिनेंट है इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये इसके साथ, तो सारे के सारे को जब हम देखें तो ये एक ही लैंडमास के टुकड़े हैं। राइटर को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि देयर वाज अ टाइम, वहां पे एक ऐसा समय था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास, भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास, एक ही भूभाग के टुकड़े थे। द राइटर से दैट राइटर कहते हैं कि About 650 million years ago, 650 million साल पहले, there was a giant supercontinent, एक बहुत बड़ा giant, मतलब बहुत ही वृहद, एक बहुत बड़ा continent था, एक महाद्वीप था, called Gondwana, जिसको क्या कहा जाता था, Gondwana कहा जाता था, which was centered around the present Antarctica, जो अब Antarctica है, उसके center में स्थित था, there was no human beings, Antarctica के अंदर कोई भी human Importance of Odin Falls is amazing to think that big chunks of magma separated from it and form
एशिया, एशिया के साथ में जाते हुए जुड़ गया था। कहां से सेपरेट हुआ था? अंटार्कटिका से सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था, वहां जाके जुड़ गया, एशिया के साथ में जुड़ गया। द दिस रिजल्टेड, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय एंड इंडिया ज्वाइनिंग द एशिया अगेन, भारत दोबारा से एशिया के साथ जुड़ गया था। देखो जो ये फॉर्मेशन है इसमें हम देखते हैं इंडिया कहां है, ये अंटार्कटिका कहां है, नीचे अंटार्कटिका से अलग होकर भारत, ये जो लैंडमार्क है, ये जो टुकड़ा है वो वहां से अलग हुआ था, अंटार्कटिका से अलग हुआ था और एशिया में जुड़ गया था। इसके अकॉर्डिंग ये एशिया था, ये लैंडमार्क इसके पास से सेपरेट हुआ, अंटार्कटिका से सेपरेट हुआ। अंटार्कटिका कहां है ये हम इसको देखें, यहां अंटार्कटिका, ये इंडिया, यहां से ये सेपरेट हुआ था, ये जो फोल्ड है यहां से जो आपको दिख रहा है यहां से सेपरेट हुआ और कहां जाके लग गया, एशिया के साथ। जब यहां एशिया के साथ जाके जुड़ा तो यहां पे जो ये फॉर्मेशन है हिमालयस का है इसी पॉइंट पे, तो ये नेपाल का जो बॉर्डर है और यहां से जो ये वाला जो जगह है ये का है हिमालय की पर। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, जब कोई भी प्रेशर, जब हम आटा गूंथते हैं तो यदि जो लचीला आटा होता है उसको जब गूंथते हैं तो उसको दोनों साइड से हम प्रेस करते हैं तो बीच का जो पार्ट है वो ऊपर उठेगा या नीचे उठ जाता है, दोनों जैसे हमारी उंगलियां हैं यदि हम उसको प्रेशर डालेंगे दोनों साइड से यदि हम प्रेशर डालते हैं तो या तो ये नीचे की तरफ जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब ये लैंडमार्क था भारत यहां से सेपरेट होके यहां जब उसके साथ लगा और यहां जो एशिया था वो दोनों में प्रेशर आया तो वहां क्या हो गया, हिमालय की फॉर्मेशन हुई। समझ में आ गया हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई? देखो दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय इंडिया ज्वाइनिंग द एशिया अगेन, भारत दोबारा से जैसे ही हिमालय आया तो वो दोनों के बीच में एक पार्ट हो गया और हिमालय की फॉर्मेशन हुई। साउथ अमेरिका ब्रोक अवे एंड ज्वाइनिंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग हुआ उससे तो किससे जुड़ गया, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया। दिस ओपन द ड्रेक पासेस, उससे ड्रेक पास जो एक दर्रा था वो खुल गया। दिस ओपन ड्रेक पासेस टू क्रिएट कोल्ड करंट, वहां से ठंडी जो हवा धाराएं निकलने लगी अराउंड द साउथ पोल, साउथ पोल के वहां से आने वाली ठंडी जो हवाएं थी वो वहां चलने लगी ठंडी जो हवाएं आने लगी वहां पर जम गई। इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर देयर आर नो नाइट्स एंड डेज, वहां पे दिन रात नहीं होते हैं एज वी एक्सपीरियंस हियर, जैसे हम यहां एक्सपीरियंस करते हैं अंटार्कटिका के अंदर ऐसे दिन रात नहीं होते हैं। देयर इज साइलेंस, वहां खामोशी है, साइलेंस क्यों है, साइलेंस पॉल्यूशन नहीं है, दूसरा पॉपुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, इसलिए वहां पे जब जहां हवा चलती है केवल पहाड़ है, केवल बर्फ जमी है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई जानवर नहीं है वहां पे, कोई कुछ भी नहीं है वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, साइलेंस ही रहेगी। विच इज ब्रोकन ओनली बाय द ओकेजनल, जो खामोशी, जो चुप्पी, जो शांति होती है वो केवल कभी कभी मौके के ऊपर ही टूटती है, कब टूटती है, बाय द ओकेजनल एवलांचेस और कैपिंग आइस स्केट्स। एवलांच जो हो जाते हैं, एवलांच का मतलब बर्फ का गिरना, जब एक फोल्ड होता है, मान लो हम आपको एक पानी का गिलास में आधा गिलास पानी का और फ्रीजर में रख देते हैं वो जम जाता है, उसको बाहर निकाल के हम दोबारा आधा गिलास भरते हैं उसको दोबारा से फ्रीजर में रख देते हैं तो वो भी जम जाता है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो दोनों पार्ट जो होते हैं आइस के वो दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, नहीं पहले दिन का और दूसरे दिन का, अलग अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ अंटार्कटिका के अंदर बर्फ गिरती है, मान लो एक दिन एक फीट बर्फ गिरती, दूसरे दिन दूसरी फीट, तीसरे दिन उसके ऊपर, अलग अलग छह महीने में दिन रात होती है, पर जैसे ही वहां पर बर्फ का जो जमाव होता है वो अलग अलग सीट्स के अंदर हो जाता है और जब जो सीट भारी हो जाती है तो फिसल जाती है, तो बर्फ की जो फोल्ड है वो एक दूसरे से फिसल जाते हैं, फिसल जाते हैं तो पूरे के पूरे एवलांचेस आते हैं, बर्फ है वो हट जाती है।
पिना जाती है गिर जाती है। Human civilization has been on this earth just for 1200 years. मानव जाति जो है, सभ्यता है, वो इस अर्थ के ऊपर केवल 12000 साल से ही है। अर्थ का डायनासोर कितने साल पहले है? अभी हमने पढ़ा है, डायनासोर कितने साल पहले खत्म हो गए थे? 650 मिलियन साल में इतना ही लिखा होगा। यदि हम इसको देखते हैं तो डायनासोर कब खत्म हुए थे? पर यहां हम देखें कि हमने वाटर लेवल कितना ऊपर बढ़ा दी, बढ़ा के साथ
सालों में वो कुछ इंचेस ऊपर बढ़ता है तो हमें पता नहीं लगता। हम यदि हम अंटार्कटिका जाते हैं तो वहां देखते हैं तो बर्फ को पिघलते हुए तो देख सकते हैं, कब पिघलेंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ आइस है वो कब पिघलना शुरू करती है जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। तो यदि हमें वो देखना है, बर्फ को पिघलते हुए देखना है, यदि अर्थ के इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा अंटार्कटिका। दिस रीजन हैज बीन अनस्पोइल्ड, क्योंकि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है वो अनस्पोइल्ड अभी विनाश नहीं कर रखा है, अभी बचा हुआ है आदमी से। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन तो पॉपुलेशन है ही नहीं, आदमी रहता नहीं है वहां पे, हमेशा 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रात होती है, बर्फ होती है, वहां पे कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है सर। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां पे यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। दिस रीजन हैज बीन अनस्पोइल्ड बाय मैन, जो आदमी रीजन है वो आदमी से बचा हुआ भी। इट हैज ए सिंपल इकोसिस्टम, वहां का इकोसिस्टम वो साधारण इकोसिस्टम है, देयर इज नो मच बायोडायवर्सिटी, वहां पे बायोडायवर्सिटी अलग अलग जो जीवाश्म में अलग अलग जो है वो नहीं है। देयर आर वेरी उसकी बर्फ के ऊपर अभी भी नीचे जो बर्फ है पुराने जो जमाने से जो जमी हुई है उस बर्फ के अंदर अभी भी कार्बन के रिकॉर्ड हैं। सो इसलिए वन कैन स्टडी द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एट अंटार्कटिका, कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका के पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें पता लग सकता है, हम यदि उसका पता लगाना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। द राइटर वाज वर्किंग ऑन ए प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट ऑन आइस, जो राइटर है पालन पोषण इसी से हो रहा था। दे
गोइंग फर्दर दैट प्रिवेंटेड उस बर्फ के चट्टान में उनको आगे जाने से रोक दिया था। द कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने डिसाइड किया कि वहां से रोकने का, बट बिफोर दैट उससे पहले द राइटर एंड अदर वर आस्क्ड टू गेट डाउन, राइटर और दूसरे उसके जो स्टूडेंट्स थे वो नीचे उतर गए एंड वॉक ऑन द फ्रोजन ओशन। तो जब वे उस बर्फ के चट्टान को, बर्फ के चट्टान क्या कि ओशन था उसके ऊपर वो चलने लगे। सो ऑल द 52 पैसेंजर्स वॉक ऑन द व्हाइट शीट ऑफ आइस इन द ओशन। सारे के सारे जो बाहर पैसेंजर थे वो उस बर्फ की शीट के ऊपर चलने लगे, पैदल चलने लगे। अंडरनीथ उनके नीचे देयर फीट, उनके पैरों के नीचे वाज द 1 मीटर थी आइस पैक, 1 मीटर लगभग मोटी बर्फ की चट्टान थी। एंड अंडरनीथ वो उस बर्फ की चट्टान में नीचे दैट देयर वाज 180 मीटर ऑफ सॉल्ट वाटर, 180 मीटर गहराई तक उनके क्या था, पानी था, नमक का या जो समुद्र का पानी था। दे साव द सी सिटिंग ऑन द सर, उन्होंने जो सी मछली है वो उस बर्फ के ऊपर लेटी हुई देखी धूप में, धूप के अंदर। द राइटर थॉट दैट, राइटर ने सोचा कि दे लुक लाइक द स्ट्रे डॉग्स, ये जो मछली थी वो ऐसे लग रही थी जैसे स्ट्रे डॉग्स हमारा कुत्तों की तरह लग रही थी, विच रेस्ट अंडर ए बनियान ट्री, जैसे जो कुत्ते होते हैं वो एक बनियान ट्री एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, ऐसे उनको देखा उसने उस मछली को। द राइटर सेज दैट राइटर ने कहा कि हर जर्नी टू अंटार्कटिका, उसकी जो यात्रा थी अंटार्कटिका की वाज वेरी रिवार्डिंग, को बड़ा रिवार्डिंग या अच्छा अनुभव देने वाली थी। इट टॉट हर ए नंबर ऑफ थिंग्स, उसने बहुत सारी चीजों के बारे में उसने सिखाया था। सी वाज अंडरस्टैंड वो बड़ी हैरान थी एट द ब्यूटी ऑफ द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की ब्यूटी के सामने वो बहुत ज्यादा हैरान थी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा शायद चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि अंटार्कटिका के बारे में ये चैप्टर है और समझने में आया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है तो आपको असाइनमेंट में आपकी एप्लीकेशन के माध्यम से असाइनमेंट में हमने देंगे। अगर कोई भी इसमें डाउट रहता है तो आप हमसे बेझिझक पूछिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम जल्दी ही लेंगे।